सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग दोस्तों। सो अभी साकेत कोर्ट में है और एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो भी जूनियर्स एडवोकेट्स हैं और लॉ इंटर्न हैं, जो इंटर्नशिप करते हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, बेसिकली अगर वो एडवोकेसी में आना चाहते हैं तो उनको इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। बेसिकली क्या होता है कि कभी हमारे जो सीनियर्स हैं हमको बोलते हैं कि ये मैटर इस डेट को हमको लिस्ट करवाना है, इससे कनेक्टेड मैटर इस डेट को आ रहा है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप कभी भी कोर्ट जाते हैं, अगर आपका सीनियर आपको इस तरीके का कोई वर्क देता है कि ये मैटर इस डेट को लिस्ट करवाना है क्योंकि इसका कनेक्टेड मैटर इस डेट को आ रहा है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आप कोर्ट में वो मेंशन करते हैं जजेस के सामने, तो आपके पास लास्ट ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है जो भी वो कनेक्टेड मैटर है। बिकॉज़ जज आपसे पूछ सकता है कि लास्ट ऑर्डर कौन सा है, कौन सा कनेक्टेड मैटर है, उसकी क्या डिटेल्स है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोर्ट के सामने अपेयर होते हैं तो कुछ चीज़ मेंशन करने के लिए, तो आप प्रॉपर तैयारी के साथ कोर्ट के सामने खड़े होंगे, क्योंकि जजेस पूछ सकता है कि आपके पास क्या ऑर्डर है, कनेक्टेड मैटर्स का केस नंबर क्या है। सो फ्रेंड्स, जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं और जितने भी एडवोकेट्स हैं जो एडवोकेसी में हैं, जो न्यू एडवोकेट्स हैं, उनको इस बात का पता होना ज़रूरी है कि अगर हम कोर्ट के सामने अपेयर होते हैं तो हमारे पास लास्ट ऑर्डर, लास्ट डेट की जो क्या ऑर्डर है, क्या कनेक्टेड मैटर है, क्या रीज़न है उसके साथ कनेक्ट करने का, ये सब चीज़ें पता होना ज़रूरी है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आप अगर कनेक्टेड मैटर लेके आते हैं, कनेक्टेड मैटर का जो ऑर्डर लेके आते हैं, तो आपको उसकी 2-3 कॉपी ज़रूर करवा लेनी चाहिए, बिकॉज जजेस आपके से ऑर्डर मांग सकता है, तो आपको जजेस के लिए भी एक कॉपी करवा के एक्स्ट्रा रखनी चाहिए। अगर आप एक ही कॉपी लेके आएंगे तो आपके पास भी एक कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप 2-3 कॉपी ज़रूर लेके आइए। इफ अगर जज आपसे कॉपी मांगता है कनेक्टेड मैटर के ऑर्डर की, तो आप दे सकें और आप इजीली मेंशन कर सकते हैं कोर्ट के सामने। तो होप दोस्तों, ये एक मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमारा एक मैटर आ रहा है 4 तारीख में, और इस और हमारा हमने एक अपील फाइल की है साकेत कोर्ट में, तो वही हमें उस मैटर के साथ लिस्ट करवानी है। तो बेसिकली हमारे पास ऑर्डर्स एक्स्ट्रा कॉपी होनी चाहिए, ऑर्डर ज़रूर होना चाहिए, रीज़न पता होना चाहिए कि हम क्यों कनेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। सो होप इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली होगी कि जितने भी लॉ इंटर्न हैं और लॉ स्टूडेंट हैं जो इंटर्नशिप करते हैं, जो न्यू एडवोकेट्स हैं, उनको पूरी तैयारी के साथ कोर्ट के साथ प्रेजेंट होना चाहिए। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ नॉलेज इस वीडियो से मिली होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल में अगर नया विजिट किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू।